शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फालतू में उलझ रही है मुझसे। अरे है कौन वो? महारानी है कहीं की? चोमन में आया, बस इल्जाम लगा दिया मुझ पे। देखिए अगर देखेगी तो वो छोड़ने नहीं वाला मैं उसे। कल इतना गंदा इल्जाम लगा दिया मुझ पे, आज वरुण को भड़का दिया मेरे खिलाफ, कल कुछ और करेगी। उसकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी मुझे। अब देखो मैं क्या करता हूँ। उसकी एक एक हरकत का जवाब नहीं दिया ना तो मेरा नाम भी अभय नहीं। तो क्या करेंगे आप? कीर्ति, पता है आप यहाँ क्यों आई हैं? हमें डांटने ना, क्योंकि हमने करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं किया। नहीं, गुस्सा तो बहुत आया था हमें, आपको डांटना भी चाहते थे, पर इतना समझ गए हैं कि आप दिल की बुरी नहीं है, बस अनुभव और समझदारी की कमी है। कीर्ति, आज आपकी सास नहीं, आपकी माँ आपसे बात करने आई है। बैठिए। कीर्ति बेटा, हम जानते हैं कि वक्त से पहले ही आपकी शादी हो गई, और इसीलिए एक पत्नी और एक बहू से जो उम्मीदें होती हैं उसकी समझ आप में नहीं है, लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना। अब यही आपकी जिंदगी है, आप इस घर की बहू हैं, वरुण की पत्नी हैं, और घर की खुशी घर की पत्नी, बहू और माँ से जुड़ी होती है। मम्मी जी, ये सब हम समझते हैं, पर आप नहीं बेटा, अब पहले हमें बोलने दीजिए। एक पति की अपनी पत्नी से कुछ उम्मीदें होती हैं, वरुण की भी आपसे हैं, वैसे ही जैसे आपकी भी कुछ उम्मीदें होंगी वरुण से। लेकिन जब एक लड़की शादी करके घर आती है तो उसका रिश्ता सिर्फ पति के साथ नहीं, पूरे परिवार के साथ जुड़ता है, और जो परिवार जोड़ती है वो ही परिवार बिखेर भी सकती है। आपको इस परिवार को जोड़ के रखना है, लेकिन आपको भी तो दिल से कोशिश करनी होगी ना कि आप इस घर को, वरुण को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और कोशिश से हमारा मतलब सिर्फ घर का काम नहीं है। क्या करेंगे आप? आप उसे मारेंगे, उसे नुकसान पहुंचाएंगे, उसे बदनाम करेंगे? जवाब है आपके पास? नहीं, आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं ही नहीं जो किसी और को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोशिश, आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। मतलब अभी आपके पास जॉब नहीं है, लेकिन इस जॉब के लिए आपको कोशिश करने से तो कोई नहीं रोक सकता है ना। और एक बार आपको जॉब मिल गई तो सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा, कोई आप पे उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन ये कोशिश तो आपको ही करनी होगी ना। करेंगे ना आप? कोशिश करेंगी ना? इस परिवार और वरुण की उम्मीदों पे खरी उतरेंगी ना? बोलिए ना कीर्ति। जी मम्मी जी, हम पूरी कोशिश करेंगे। ये
हमें पूरा भरोसा था कि हमारी कीर्ति का यही जवाब होगा। हमें पूरा भरोसा है कि आप हमारा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगी। तो कल से इस परिवार के साथ आपके रिश्ते की नई शुरुआत है। भाभी, यहाँ पर भी धूल मिट्टी है, देखिए। प्लीज कर दीजिए ना साफ। करते हैं। हाँ, वैसे आपकी लाडली रात रानी नजर नहीं आ रही है भाभी। हमारा मतलब है कि सूरज कब से चढ़ चुका है, अभी तक खिली नहीं है। अरे वरुण बेटा, अब अभी तक तैयार नहीं हुए, दफ्तर नहीं जाना क्या? भाई तो आपको बताने आया था मम्मी, आज मेरी छुट्टी और आज हम सब मंदिर जा रहे हैं, आपको जाना था ना? हाँ बेटा, लेकिन हम कैसे आ पाएंगे? वैसे भी करवा चौथ की सारी सजावट निकाली, उसके बाद ना घर बिखरा पड़ा है, ये धूल मिट्टी है, सब सफाई करनी है, हमसे नहीं होगा। मम्मी, अब बहू से इतनी बात की तो थोड़ी जिम्मेदारी उसे भी उठाने दो ना। कीर्ति ने कहा है वो यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगी। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनसे ना अकेली से नहीं हो पाएगा। हम मम्मी, आप हर वक्त उसको साथ देने के लिए नहीं होगे ना? उसने अपनी जिम्मेदारी समझी, पहली बार कर रही है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएगी। आप चिंता मत करो, मैं बाहर गाड़ी निकालने जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ, और पापा आप भी। भाभी, हमें तो पूरी की पूरी दाल काली नजर आ रही है। हमारा मतलब है कि उस रानी को ऐसी इस घर में अकेले छोड़कर सारी जिम्मेदारी देकर जाना हमें सही नहीं लग रहा है। हमें कीर्ति पर भरोसा करना चाहिए, उसे जिम्मेदारियां देंगी नहीं तो वो सीखेगी कैसे? चलिए अब मंदिर चलते हैं। भाभी, अभी भी हमारा मन नहीं मान रहा है। जी भाई साहब, नहीं नहीं सब लोग चलेंगे, भगवान के दर्शन के लिए कौन मना करेगा, बस नाश्ता करके आते हैं। जी नाश्ता बन गया? हाँ बस बन ही गया। भाई साहब का फोन आया था, सब लोग मंदिर जा रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम भी चलें। नाश्ता कर लेते हैं फिर जल्दी निकलते हैं। और तुम्हारा नलायक बेटा कहाँ है? उनकी नींद खुलेगी नहीं, जल्दी उठाइए, उसे भी चलना है। सुनिए जी, हमारा बेटा ना उतना भी नालायक नहीं है जितना आप उसे समझते हैं। वो सुबह सुबह किसी जरूरी काम से बाहर निकल गए। सुन लिया? उसे क्या काम हो सकता है, जरूर सैर सपाटे के लिए निकला होगा। सब लॉबी का खेल है भाई, अगर रेफरेंस नहीं, जान पहचान नहीं तो समझ लो नौकरी नहीं। हेलो सर, आपका इंटरव्यू 10:30 बजे है, आप आ रहे हैं ना? तुझे क्या लगता है कीर्ति मुझे छोड़कर तुझे पसंद करेगी? पहले तो अपने हिसाब की एक अच्छी सी नौकरी ढूंढो। वैसे भी निकम्मे लोगों को ना अपने औकात में रह के ही सपने देखने चाहिए।
अरे वरुण को देखो, अपने साथियों को देखो, सब लोग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्यों नहीं नौकरी मिलती? नौकरी धंधा तो तुम्हारे पास है नहीं, और दो साल से घर में ऐसे ही बेकार बैठे हो। हाँ, अनुज ने कहा है कि वो सारे पैसे दे देंगे, लेकिन सच तो यही है ना कि श्रद्धा की सारी शॉपिंग हमारे पैसों से हुई है। अभी आपके पास जॉब नहीं है, लेकिन इस जॉब के लिए आपको कोशिश करने से तो कोई नहीं रोक सकता है ना। एक बार आपको जॉब मिल गई तो सबका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा।